वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट जिसका रिव्यू करने वाली हूँ मैं आज। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है पतंजलि केश कांति। आप लोग बहुत सारे लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। पतंजलि के वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इसका रिव्यू एक्चुअली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कुछ टाइम पहले यूज़ किया था और इसका जो इफेक्ट मुझे मिला है तो वो मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो वैसे तो इसमें दिया गया है कि आपके बालों में बहुत सारी चीज़ों के लिए है, जैसे कि अगर आपके बाल लंबे नहीं हैं तो ये इसके यूज़ से आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। आपका हेयर फॉल कितना भी हो रहा हो हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपके वाइट हेयर्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और स्प्लिट एंड्स यानी कि आपके जो दो मुँह बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो इसके यूज़ से आपका सर दर्द भी दूर। तो स्प्लिट एंड्स की जिनकी भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं बात करूं इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इस किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना है। तो इसमें है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, मेहंदी, नीम की पत्तियाँ, बहेड़ा, हरड़, गिलोय, घृतकुमारी, जटामांसी, हल्दी, नागकेसर, बकुची, गुड़हल का पल्प, चारेला, अनंतमूल, रसॉल्ट, वाचा, कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल। तो कुछ चीज़ें तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे आंवला है, ब्राह्मी है, भृंगराज है, मेहंदी है, नीम की पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको भी पता है कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो गिलोय, घृतकुमारी, हल्दी, नागकेसर, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, आपको पता है तिल का तेल जो होता है वो बालों के लिए बाकी दूसरे ऑयल से बहुत ज़्यादा बालों के लिए 110% प्योर और शुद्ध तिल का तेल अगर मिल जाए तो आपके बालों के लिए कोई और तेल ज़रूरत ही नहीं है, वो बेस्ट होता है आपके लिए। तो ये जो केश कांति ऑयल है इसकी प्राइस है 130 रुपये की और इसकी सेल्फ लाइफ है 7/2021 यानी कि 2021, मैंने एक साल पहले लिया था ये। तो रिव्यू मैं आप दे रही हूँ कि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे लगती है, इसकी जो स्मेल है ना, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं इसमें अलग अलग तरीके की, तो इसकी महक जो है जिन लोगों को, हाँ जैसे जो ठंडा तेल आता है नवरत्न हो गया, हिमगंगे, बहुत लोगों को ठंडा तेल लगाने की आदत होती है, तो जो लोग वो ऑयल यूज़ करते हैं तो उनको तो इसकी स्मेल अच्छी लगेगी। बेसिकली मुझे इसकी स्मेल कम पसंद है क्योंकि मुझे जो भी ये ठंडा तेल वगैरह आते हैं ना, इसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है, या मैं ऐसे कहूँ कि मेरा सर चढ़ जाता है उससे। तो और इसमें ये ठंडा आपके बालों को, सर को मतलब ठंडक भी देता है, आपके हेयर्स जो हैं उनके लिए तो अच्छा ही है और आपके सर दर्द को भी दूर करता है, आपके टेंशन, हाइपरटेंशन या जो भी आप बोलते हैं मतलब अगर उसमें भी है, तो ये ऑयल आप ठंडा तेल की तरह, जिन लोगों को, बहुत लोगों को आदत होती है कि वो ठंडा तेल सर पे लगाते हैं उनको रिलैक्स मिलता है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब आपको इससे दो तरह के बेनिफिट होंगे। तो इसमें यही मेन इसका वही है कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है, सफ़ेद और झड़ते हुए बालों को रोकता है। तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं बालों के लिए, तो हेल्पफुल है ये। बस मुझे थोड़ा सा ये लगता है ना कि इससे बाल है ना थोड़े से ड्राई ड्राई हो जाते हैं, मतलब रफ हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसकी सही हैं, आपके बालों का गिरना भी रोकता है ये, बालों से इनफैक्ट इसमें दिया नहीं है तो भी मैं बता रही हूँ, अगर आपके बालों में स्कैल्प में ईचिंग वगैरह हो रही है ना तो आपकी ईचिंग भी ठीक हो जाती है, डैंड्रफ वगैरह है तो वो भी चले जाते हैं, और आंवला है तो आप अच्छे से जानते हैं आंवला तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी तो बालों के लिए, तो बालों की ग्रोथ तो होनी ही होनी है, तो इससे बालों की ग्रोथ होती है। तो ये थी, ये इस तरीके के डब्बे में आता है, इसका वो दिखा दूं मैं तो इसको, ये देखिए इस तरीके का बॉटल, बॉटल तो बड़ा ही खूबसूरत सा है ये, 20% एक्स्ट्रा भी है इसमें। तो आप चाहें तो इसमें सभी जड़ी बूटियां हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके बालों के लिए कुछ नुकसानदायक चीज़ें इसमें नहीं हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पतंजलि केश कांति किसी भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है,
या किसी भी जनरल स्टोर पे भी आई थिंक मिल जाएगा, और पतंजलि स्टोर पे तो 100% मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो आप कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं आसानी से, और इसका यूज़ कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, आपको बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़े से रफ हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो थोड़े से बाल अगर रफ हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में उसको क्योर कर सकते हो। पहले अपने बालों की जो बाकी समस्याएं हैं उसको, और वैसे क्योर करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली। अगर आप इसको ना, बहुत लोगों की क्या आदत होती है कि बालों में ऑयल लगा लिया, उसके बाद 2 दिन 3 दिन हेयर वॉश ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि अगर आप घर के काम कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जो भी धूल मिट्टी, अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हो ना, तो भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपके हेयर्स में ऑयल ऑलरेडी है, तो कोई भी चीज़ होगी, अगर आपने हाथ में तेल लगा के आप देखो, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी धूल थोड़ा सा भी कण होगा, तो वो अगर ऑयल है तो तुरंत आके चिपकेगा। तो इसी तरह आपके बालों के लिए होता है कि अगर आपके बालों में 3 3 दिन 4 4 दिन आप ऑयल भर के रख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें गंदगी धीरे धीरे जमा ही होगी, और जब जमा होगी ना, तो वो धीरे धीरे बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है, बालों को तो रुखा जुखा बेजान बनाएगी। तो मैं आपको इंसिस्ट यही करूंगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको नाइट में लगाइए, जब भी आपको लगाना है नाइट में लगाइए, ओवरनाइट रहने दीजिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश कर लीजिए। जब भी आपको ये ऑयल यूज़ करना है, जब भी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आपने सोचा है कि भाई कल मुझे अपना हेयर वॉश करना है, क्योंकि लेडीज़ की भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कि कुछ लोग होते हैं कि भाई ये दिन नहीं धोना, बहुत लोगों को होता है, जैसे हमारे यहाँ है कि थर्सडे को लेडीज़ हेयर वॉश नहीं करती हैं, तो अगर आपने ये सोचा है कि भाई मुझे फ्राइडे को हेयर वॉश करना है, तो थर्सडे की नाइट को आप ये ऑयलिंग करके रात भर रहने दो और मॉर्निंग में वॉश कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपके हेयर भी रफ भी नहीं होंगे और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़, हाँ एक बार और याद दिला दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।